नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं केंद्र विद्यालय के प्रांगण में जो कि सेवक रोड में है, और पीएम श्री केंद्र विद्यालय के तहत यहाँ पे आज परीक्षा पे चर्चा के तहत आपका चित्रकला प्रतियोगिता हो रहा है। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और जाकर के विस्तार से चीज़ों को हम देखते हैं और समझते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, माँ सरस्वती आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपका किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 5। तो आज ये क्या चीज़ में पार्टिसिपेट लिए हैं आप? सर, ड्राइंग विकसित भारत टॉपिक। अच्छा, कैसा लगा आपको इस ड्राइंग कंपटीशन में? सर, बहुत इंटरेस्टिंग है और चैलेंजिंग भी है कंपटीशन, बहुत मतलब अच्छा लगा। आपको क्या थीम मिला है वक्त बनाने का? विकसित भारत। जी, विकसित भारत। अच्छा। आपका? मेरा नाम सुबोधजीत दास है। किस स्कूल से है आप? मैं हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर स्कूल से हूँ। तो आज इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा, फन है, फीलिंग है। क्या बनाए हैं आप? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पोर्ट्रेट। क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रिया रॉय। किस क्लास में? क्लास 9। कौन सा स्कूल? हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर स्कूल। क्या बना रही हैं? चंद्रयान 3। ये क्या आप स्वयं अपने मन से बना रही हैं या आपको थीम मिला था? हमें थीम भी मिला था, मैंने अपने मन से भी बनाया कोशिश की। अच्छा अच्छा, थैंक यू। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर। परीक्षा पे चर्चा के तहत जो प्रतियोगिता किया जा रहा है, चित्रकला प्रतियोगिता, इसके बारे में। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मना रहा है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देश के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुचर्चित और सफल कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन, जो कि 29 तारीख को होना है, आज के दिवस पे परीक्षा पे चर्चा के लिए उनके द्वारा रचित किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स, उसके थीम पर, और भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अग्रणी स्थान हासिल किया है चंद्रयान को भेजकर, तो चंद्रयान से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लिखित किताब है एग्ज़ाम वॉरियर, उसमें एग्ज़ाम के जो विभिन्न मंत्राज उन्होंने दिए हैं, उन मंत्राज को फोकस करते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर, पीएम श्री केवी सेवक रोड, पीएम श्री विद्यालयों ने हिस्सा लिया है, और यहाँ से संबंधित स्टेट बोर्ड के जो स्कूल हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, CBSE बोर्ड के जो संबंधित स्कूल है जैसे हिमालयन पब्लिक स्कूल है, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल है, और विभिन्न केंद्र, विभिन्न विद्यालय जो कि CBSE से संबद्ध हैं, वो सारे यहाँ पे आए हैं। तकरीबन 100 बच्चों ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया है। विद्यालय ने आज के कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी की थी। इस तैयारी के तहत बच्चों को एक आर्ट किट दिया गया, जहाँ पे हमने उनको ड्राइंग शीट, कलर्स दिए हैं, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल्स, जो भी इनकी आर्ट के लिए जो ज़रूरत होती है वो दिया गया है। और सारे बच्चों, जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे बच्चों को हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रचित पुस्तक, जो कि एक आयाम स्थापित कर चुकी है एग्ज़ाम वॉरियर, वो सारे बच्चों को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो शीर्ष 5 विद्यार्थी जो इस प्रतियोगिता में स्थान पाएंगे, उनको एक विशेष NBT द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को भी दिया जाएगा, और आज के ही दिन उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। शेष विद्यार्थियों को, जो 5 के अलावा हैं, उनको आभासी माध्यम से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस ज़िले में 2 नोडल KV हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, उसमें हमारा KV है PM श्री KV सेवक रोड, और दूसरा है PM श्री KV बेंगलुरु।
से बाहर के स्कूल के कितने बच्चे हिस्सा लिए हैं? बाहर के स्कूलों को हमने 10 स्कूलों को लगभग दिया है, यहाँ पत्र जारी किया था आज के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। मैं समझता हूँ हर स्कूल से 2-4-5 बच्चे भी आए हैं, तो काफ़ी संख्या में बच्चे हैं। संख्या मुझे इस समय तो ज्ञात नहीं है क्योंकि मुझे जाके देखना पड़ेगा, लेकिन 100 के आसपास बच्चे हैं इस समय जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? चूँकि मार्च का मंथ एकदम नज़दीक है और ये माहौल बिल्कुल उपयुक्त है परीक्षा पे चर्चा के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो आज के में संदेश ये है कि सारे अभिभावक, सारे बच्चे जो 6ठी से 12वीं तक के हैं, प्रधानमंत्री के जो अभूतपूर्व प्रयास के द्वारा एक बहुत सफल प्रोग्राम है परीक्षा पे चर्चा जो कि 29 तारीख को होने वाला है, उसमें भाग लें और अपनी अपनी समस्याओं को अलग अलग लोगों के माध्यम से जो एक आम समस्याएं होती हैं वहाँ पर उनका वो हल पा सकते हैं। बच्चे एग्ज़ाम में स्ट्रेस के बिना जाएंगे, अच्छा लिखेंगे और देश 2047 में जो विकसित भारत का सपना देख रहा है उसको साकार करने में एक कदम बढ़ाएंगे। सर आपका नाम? मनीष कुमार यादव, प्राचार्य PM श्री KV सेवक रोड। सर आप कितना वर्ष हो गया सरकारी भार संभाले हुए? मिनिमम मेरा 5 वर्ष जी। कैसा लगा सर अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को यहाँ पे लाके पार्टिसिपेट करवाने? बहुत अच्छे लगे। परिचय देते हुए जी, मेरा नाम संजय दे, मैं डार्जिलिंग पब्लिक स्कूल फुलवारी से हूँ जी। सर मैं वहाँ का ड्राइंग टीचर हूँ, पेंटिंग का। और पेंटिंग का मेरा ड्राइंग टीचिंग प्रोफेशन 10 साल हो गया अभी, पहले स्कूल में था, दूसरा स्कूल में आ गया अभी। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे लोगों से, ये देखो पढ़ाई तो हर इंसान ही करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन तुम ये बनो, तुम पहले देखो कौन चीज़ में तुम बेस्ट हो। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कौन चीज़ में बेस्ट हो? अगर पेंटिंग में बेस्ट हो तो पेंटिंग करो और कुछ छोड़ो, अगर खेल में अच्छे हो तो खेलो, जो करना है दिल लगा। किस स्कूल से है आप? डार्जिलिंग पब्लिक स्कूल। किस क्लास में है? 9। कैसा लगा आज आपको इस पार्टिसिपेट पे केंद्रीय विद्यालय में आकर के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो ये क्या बना रहे हैं आप? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज बर्थडे है। जी जी जी। तो ये क्या मतलब आप यहीं पे बैठ के बनाए या पहले से बना के लेके आए थे? यहाँ पर बनाए हैं। कितने वर्षों से आप ड्राइंग करते हैं? बचपन से, करीब 5 साल से। आपके स्कूलों पे सिखाया जाता है क्या ड्राइंग? थैंक यू।